कृष्ण कथा का गान, कृष्ण कथा की चर्चा अनासक्त होकर के अगर की जाए राग और द्वेष से, दोनों चीजों से अनासक्त होना पड़ेगा, ना ही बहुत अधिक घुसना पड़ेगा ना ही बहुत अधिक निकलना पड़ेगा। ऐसा व्यवहार सच्चे भक्तों का होता है। जैसे आप देखेंगे जो सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य बनाने के लिए गुरु बनते हैं क्या? सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य बनाने के लिए गुरु बनते हैं क्या? नहीं। तो जब शिष्य बनाने के लिए गुरु नहीं बने थे तो कोई उनका अगर शिष्य बन गया तो उसे क्या वो अपना मानेंगे? जब उनकी इच्छा ही नहीं थी किसी को अपना नहीं शिष्य बनाने की, तो शिष्य को अपना मानेंगे क्या? व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अपना नहीं मानेंगे, उसके लिए उसको अपना जरूर मानेंगे। फिर शिष्य स्वीकार क्यों किया? बोले उसके लिए। ये कितनी सूक्ष्म बात है। उसके लिए उसको अपना जरूर मानेंगे, अपने लिए कभी अपना नहीं मानेंगे। ये भक्ति बड़ी विचित्र है। इसलिए शिष्य के लिए उसे अपना मानते हैं। इसलिए ऐसा गुरु, ऐसा भक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे ही हैं और किसी के नहीं, ऐसा फीलिंग आएगी उसके अंदर। और गुरु को क्या फीलिंग आएगी? गुरु को क्या फीलिंग आएगी? इनमें से कोई अपना नहीं, अपने तो कृष्ण है बस। गुरु ऐसी फीलिंग करेगा। इसलिए गुरु को चाहिए कि वो शिष्य का कछु नहीं ले। गुरु को ऐसा चाहिए वो शिष्य का कछु नहीं ले। अगर कुछ ले रहा है तो शिष्य में आशा बन जाएगी। जो गुरु करे शिष्य की आस, हरि भजन से भया उदास। हरि भजन नहीं कर सकता, शिष्य से कोई आशा नहीं, उसके हृदय में किसी से प्रेम नहीं है, और उसके हृदय में किसी से घृणा भी नहीं है। सबको अपनाता है और किसी को भी अपनाता नहीं। सबको ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते, मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते, मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते। हर व्यक्ति को वो भक्त अपना लगेगा, बहुत ही ज्यादा अपना लगेगा। सच्चा भक्त कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आधे लोगों का ये बहुत अपना है और आधे लोग सोच रहे ये मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं सोचना, प्राय नहीं सोचने में आएगा। कोई जबरदस्ती दुश्मनी बनाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता उसका। इसलिए सच्चे भक्त इतने स्तर पर रहते हैं और इसी कारण से वो कृष्ण चर्चा निरंतर कर पाते। इसलिए भक्त बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? केवल कृष्ण गुणगान करो और भक्त बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कृष्ण गुणगान तभी संभव है जब हम राग द्वेष से अनासक्त रहे, न कहीं राग की चिंता, न ही किसी को अपना बनाए और न ही किसी को पराया बनाए। जो भी मिले बड़ी सुंदर हास्य मुद्रा के साथ दृष्टिपात करना चाहिए, प्रीति करना सीखना चाहिए। जो भी मिले हर व्यक्ति से प्रेम से व्यवहार करना सीखना चाहिए, और प्रेम से व्यवहार करने के बाद उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन तो निरंतर श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। ये नहीं हमने हंस के बात किया, सामने वाले ने हंस के बात किया,
अब वो उसकी हंसी को लेकर के दिमाग में घुमा रहा है, वो उसकी हंसी को लेकर के दिमाग में घुमा रहा है। नहीं, हमने किसी से मीठे शब्द कहे, सामने वाले ने मीठे शब्द कहे, वो हमारे मीठे शब्दों का चिंतन कर रहा है, हम उसके मीठे शब्दों का चिंतन कर रहे हैं। नहीं, किसी ने हमारा तिरस्कार कर दिया, हमने उसका तिरस्कार कर दिया, हम उसको दिमाग में लेकर के घुमा रहे हैं। नहीं, वैष्णव एटिकेट्स मीन्स फॉरगेट एंड फॉरगिव। इट मे बी अ लविंग ऑब्जेक्ट टू यू और मे नॉट बी लविंग ऑब्जेक्ट। उसमें भूल जाना चाहिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। कौन सी यात्रा को? वैसे भी भूलना तो है ही, सब चीजें छूटनी है। कौन सी यात्रा को? कृष्ण चर्चा की यात्रा को, कृष्ण भक्तों की संगति में। बस ऐसे देखा जाए तो ये है वास्तविक शरणागति।